हाय गाइस, दिस इज टीके बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मेरे जो स्टील बट हेलमेट का जो वाइजर है, इसे आप लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं इजीली, किस तरह से रिमूव होता है, बिकॉज बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर कि इसे किस तरह से रिमूव किया जाता है। सो जिन लोगों ने मेरे इस हेलमेट का अनबॉक्सिंग और रिव्यू नहीं देखा, लिंक इधर आई बटन में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो है, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आप लोग देखना। जिन लोगों के पास ये हेलमेट है और जिन्हें कंफ्यूजन हो रही है इस हेलमेट का वाइजर रिमूव करके चेंज करने की या ऑल दो उसे क्लीन करने की, सो देखो उसको ध्यान से। ओके, तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसे किस तरह से निकाला जाए। सो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसका जो वाइजर है ये डाउन साइड गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। इसको आपको पूरा ऊपर करना है इस तरह से। ये पूरा अप होने के बाद यहाँ पे एक एरो दिया रहेगा जो आप लोग को शायद दिखेगा नहीं इधर पे। ये एरो दिया रहेगा यहाँ पे, आप लोगों को पूरा रेड को वो एरो के सामने लेके आना है। सो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो ग्रिप दी गई है रेड वाली क्लिप जैसी, इसे आप लोगों को अंदर की तरफ पुश करना है। पुश करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऐसा उठा देना है। तो ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से निकल गया। उसके बाद आप लोगों को ये आगे का निकाल देना, तो ये इजीली निकल जाएगा। सेम प्रोसीजर आप लोगों को इस साइड भी करना है, इधर पे भी आप लोगों को ये निकालने के बाद ये हल्का सा इधर उठा देना है। ये हमारा वाइजर जो है निकल चुका है और इसे कामली रिमूव करना है, अदरवाइज टूट भी सकता है, लेकिन ये इसका तरीका इसे निकालने का। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बस अच्छे से इसे रिमूव करना, और फिर चाहे आप लोग इसे क्लीन कर सकते हैं या फिर स्मोक वाइजर के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। तो इस तरह से ये अंदर का दिखता है बिगर वाइजर के। सो गाइज, यही था हमारे आज का इस छोटे से वीडियो में। सो गाइज, ये वीडियो मैं इसलिए बना बिकॉज बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है, जिन लोगों के पास ये हेलमेट है उन लोगों को पता है। तो गाइज, जिन लोगों के लिए काम की वीडियो रही होगी प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन बेल रिंग दबाना, तो जिससे आपको मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस की अपडेट मिलती जाएगी। तो गाइज, गुड बाय एंड टेक केयर। But it won't be